ये जो मजे से रस खा रही है मेरे साथ, इसका नाम बेटी जी है। तो वैसे तो हमें बकरियां रेस्क्यू करने का मौका नहीं मिलता, हम ज्यादातर कुत्ते और गाय ही रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि कोई भी जो जानवर है ना जिसे लोग निपटा सकते हैं, जैसे आपकी बकरी हो गई, मुर्गे हो गए, भैंस हो गई, वो हमें जानवर रेस्क्यू करने को मौका ही नहीं मिलता। तो ये क्या है, हमारे पड़ोस में ही चचा रहते थे, उन्होंने पाल रखी थी, तो उनका अकस्मात ही देहांत हो गया, तो परिवार वाले इसको देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा बेच देते हैं। तो बेचते तो ऐसा नहीं है, इसको कोई काट लेता अचानक ही। होता ये कि पहले तो दूध के लिए इसको प्रेग्नेंट करते बारी बारी, जब ये बूढ़ी हो जाती, दूध ना दे पाती, तब किलो के हिसाब से ये बिक जाती और कटती। तो हम तो अब इसको देखा था हमने बचपन से, तो अब ये कैसे होने देते, तो हमने इसको खरीद लिया। तो अब यहाँ पे ये सबकी फेवरेट हो गई है, सब लोगों की भी, कुत्तों से भी इसकी सबसे दोस्ती है, भेड़ से भी, जो हमारी फेवरेट गाय है टोफू, वो और ये भी काफी खेलते हैं। और एक और बात हुई, हमने इसको लिया तो हमने ये सोचा नहीं था कि ये यहाँ की, ये सारी बकरियों की एम्बेसडर बन गई है यहाँ पे। जैसे लोग आते हैं, बड़े सारे डॉग लवर आते हैं, तो वो कुत्तों के साथ खेलते हैं, फिर इसके साथ भी खेलते हैं। तो कई बार उनके दिमाग में लाइट सी जलती है कि यार कुत्तों को तो हम प्यार करते हैं और हम कुत्तों को खाते नहीं हैं, अब हम इसे भी प्यार कर रहे हैं पर मीट हम खाते हैं। तो इसकी वजह से बड़े सारे लोग होना शुरू हुए वेजिटेरियन, या कम से कम कोशिश करनी शुरू की। तो अब ये, हमने इसको एक को बचाया और ये हजारों को बचा रही है।